ये भाई लोग हम आए हुए हैं आज फोरम गडांस में, जो ओल्ड टाउन के करीब है। तो यहाँ पे आपको नज़ारे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हम वीकेंड में आए हुए हैं ताकि जो है हम थोड़ा एंजॉय कर सकें, आउटिंग कर सकें क्यों, और आपको भी दिखाते हैं आज ओल्ड टाउन के नज़ारे। और ये फोरम एक जगह है जहाँ पे आपको अच्छे ब्रांड्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे जो है शॉपिंग, फूड वगैरह के हवाले से सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आपको इसका नज़ारा आज करवाते हैं। यहाँ पे आज शोकास भी है, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ही देर में। अपना गाड़ियों का वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जी तो मैं आया हूँ अपने दोस्तों के साथ, मेरे साथ विपिन भी है और भी है। पीछे गड्डी भी जा रही है। जी हाँ जी, ये मेरे बारे में बताएं क्यों आए हम आज भाई? हम यहाँ पे गाड़ियाँ देखने आए थे। अच्छा हाँ, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं। अगर मुझे कोई ऑफर करे ना कि गाड़ी दूँ या प्यारी बच्ची दूँ, तो मैं गाड़ी लूँगा। ओके, प्यारी बच्चियाँ खुद ही बखू। आप अपना इजहार ख्याल करें। माहौल बहुत अच्छा है, गर्म है, गर्मी लगा। हाँ बिल्कुल, यही था। गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, अंधेरे में भी धूप की रोशनी नजर आ रही है। इतनी गर्मी है कि लोग कपड़े उतार के चल रहे हैं। ओहो, कहाँ पे? यहाँ लगा देना। ओके, जब किधर जा रहे हो भाई साहब? भाई साहब आज हम लोग जा रहे हैं ओल्ड टाउन को डिस्कवर करने। वैसे तो पहले आते रहते हैं लेकिन आज ये सुना है नई हुसैन की देवियाँ आई है, देखते मतलब हैं आए हुए घूमने। चलिए देखते हैं क्योंकि रश तो बहुत है। ये देखें, रश बहुत है। नाज़रीन को दिखाते हैं, आगे दिखाएं ना कि हाँ बिल्कुल उन्हीं को दिखा रहे हैं कि कितना रश है, ताकि फिर जो है हम आगे चलते हैं, फिर लोगों को भी दिखाते हैं कि क्या क्या मनाजिर है अंदर। सही बात है, समर वाइज खूबसूरत तरीन जिना किना खूबसूरती है। असेंड जी तो हम आ चुके हैं ओल्ड टाउन में, अभी जा रहे हैं उसकी मेन गली की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता से। ये आगे हमारा दोस्त जा रहा है। जी
ले आ गए हम ओल्ड टाउन की तरफ। और आज काफ़ी रश है क्योंकि वीकेंड है, उसकी वजह से जो है काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं घूमने फिरने इंजॉय करने। ये रही इसकी मेन एंट्रेंस। यस, ये मेन एंट्रेंस है। मेरे साथ विपिन है, पीछे बक्कू है। इंग्लिश में उर्दू की जी हाँ। ये ले जी, आ गए हम ओल्ड टाउन में। और ये इधर गोल्डन गेट है। बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट है। आज मौसम भी अच्छा है क्योंकि टेम्परेचर आज जो है ना वो नॉर्मल है। ये कुछ आर्टिस्ट होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं अपना आर्ट अपना यहाँ पे। और यहाँ पे ये फेमस इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे जो है दूसरी कंट्री से भी लोग आते हैं, तो यहाँ पे मस्ट विज़िट करते हैं क्योंकि बहुत अच्छा सिटी है ये। और ट्राई सिटी है कि है सफोद गडिनिया और गडांस, तो यहाँ पे भी लोग मस्ट विज़िट करते हैं, इस सिटी की वाइब्स इंजॉय करते हैं। देखें बहुत सारी गेमी है यहाँ पर, और काफ़ी कंट्री से भी लोग आते हैं स्पेशली यूरोप में। ये कुछ साल पहले जो है आई थिंक लास्ट ईयर था या उससे पहले जो है ये टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी आया था ये। ये फेमस क्लॉक टावर है, आपको नज़र आ रहा होगा लंबा सा। Thank you.
लोग अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए हैं इंजॉय करने के लिए अपने वीकेंड को। यहाँ पे भी एक आर्टिस्ट बैठा हुआ है। ये फेमस स्कल्पचर है नेपच्यून का, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं तस्वीर वगैरह बनाने के लिए, तो ये भी इंजॉय करते हैं। आप लोग भी देखें, और हमारे पास सबसे फेमस नेपच्यून है। हाँ जी, तो दोस्तों आज हम इधर जैसे गदांस्क का ओल्ड टाउन जो है ये पूरे ईयू में सबसे खूबसूरत माना जाता है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे तकरीबन 18-19 मुल्क घूम के मेरा यही फाइनल कंक्लूजन निकला है अभी तक का कि वाकई में ये गदांस्क का ओल्ड टाउन जो है सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे आप लोग देखें, हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए। और किस टाइम पे ये नंबर वन ट्रेवलिंग सिटी पे भी आया है विजिटिंग एज ए विजिटर्स के प्रेफरेंस पे। ये भाई कब तक देखा रहे हैं, यहाँ पे ऐसी फैल फैलो जी, यहाँ पे काफ़ी फूड स्टॉल्स भी हैं, काफ़ी बार और स्ट्रिप क्लब हैं, नाइट क्लब हैं, हर हिसाब की आपने हाँ भाई जो भी करनी है वो भी कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं जी, आपने खाना है वो खा सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं जी। आपकी बातें भी आ रही हैं उसके साथ, फिर हम लोगों को भी दिखा रहे हैं कि जी 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 देखें, लोग दिखाना मस्त है, लोग देखें हमारा मुँह देखा गया लोग बिल्कुल। कुछ दोस्त हमारे होते हैं वो कहते हैं कि आपकी जो शक्ल बहुत खूबसूरत है तो हमें दिखनी चाहिए। तो अब हम आगे भी जा रहे हैं इस बिल्डिंग के आगे जो आप सामने देख रहे हैं, एक रिवर है जिसको कहते हैं बोता लामा रिवर, वहाँ पे पैरेट शिप भी है इनकी और दूसरी काफ़ी चीज़ें जगह हैं जो आपको बहुत पसंद है। ये नेचुरल रिवर है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। गुड, क्योंकि ये बाल्टिक स्टेट्स रहेगा पोलैंड। बिल्कुल, हम आगे जाके कोशिश करते हैं किसी एक बंदे को या बंदी को पकड़ते हैं, उससे भी गपशप ले लेते हैं। बिल्कुल सही है जी हाँ, और थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं साथ साथ चलते, ये भी अच्छा है। तो यहाँ पे आप देखिए काफ़ी रेगुलर हैं, जिनको नई जो लोग हैं वो तस्वीरें भी बहुत निकाल रहे हैं, तस्वीरें इसलिए ये बिल्डिंग है दोस्तों बिल्कुल दिखाएँ रंग बिरंगे किस साइड, तो ये आगे तक के इनका एक अच्छा बेडरूम बना हुआ है, इनकी बड़ी हिस्ट्री है। सिमिलर आप वहाँ पे भी देख सकते हैं स्टॉकहोम में जी हाँ, ये वो शहर है जहाँ से वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुई थी वेस्टर्न प्लेट से, ये पूरा तहस नहस किया गया जी हाँ, फिर से इन्होंने दोबारा उसी तरह से डेवलप किया। बिल्कुल, और पुराने तहस पे ही जो है इन्होंने दोबारा डेवलप किया। सिमिलर बिल्कुल, हम्म,
महल है जी, रिवर का व्यू। ये भाई रिवर का व्यू है, इसकी राइट हैंड पे आप देखें तो काफ़ी बास हैं और वही पैटर्न है रंग बिरंगी बिल्डिंग्स का, और काफ़ी यहाँ पे होटल भी हैं मशहूर और कलर भी हैं। इसके लेफ्ट में भी सिमिलर पैटर्न है, वो सामने एक आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी जिसका कोन टाइप बना हुआ है उसको बिल्कुल तरह से। मैं इसको जूम भी कर लूँ? जी हाँ, जूम करके दिखाएं लोगों को। जी हाँ, तो उस बिल्डिंग की भी हिस्ट्री है। सबसे पहले कहते हैं कि इस एरिया में जब हुआ था तो वो बिल्डिंग बची थी काफ़ी टाइम तक, फिर उसको होगा दिया गया था बाद में, और सिमिलर इन्होंने बनाई है। अब देखें ये कुछ क्रूज ट्रिप्स यहाँ पे होती हैं, आपके राइट हैंड पे आपको दिख रही हैं। ये टूरिस्ट लोग आते हैं उनकी वो पे जो है ना ये क्रूज़ लेते हैं, उनको फिर हिस्ट्री बताई जाती है गडांस के बारे में। तो अमूमन जो लोग बाहर से आते हैं वो ये क्रूज ट्रिप लेते हैं। अपनी दोस्तियों के साथ कभी कभी जाते हैं, ये भाई तो कमिटेड है, हम जैसे वेले लोग होते हैं कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ घूमने चले जाते हैं। सही है, अच्छी बात है, एंजॉय करें, लाइफ है भाई, अपनी लाइफ है, खुद एंजॉय करें। हमारा दोस्त बखू भी हमारे साथ है, तो बखू से पूछते हैं अबाउट दिस, ओपिनियन दे अपना। गडांस का ओल्ड टाउन बहुत अच्छा है और ज़्यादातर तकरीबन पूरे पोलैंड में ये विजिटर्स के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है, ईयू में माना जाता है, माना जाता है, और रहने के हिसाब से ईयू की रिपोर्ट के हिसाब से भी गडांस टॉप 5 सिटीज में आता है, वर्ल्ड की सॉरी 4th नंबर के बेस्ट सिटीज टू लिव। आगे देख पाते हैं उस साइड से, दरिया देखा है, दरिया की मछलियाँ भी देखा है, मछलियाँ भी देखा है। ये दूसरी साइड का व्यू है, ये भी चेक करें। ये वो जगह है जहाँ पे न्यू ईयर का फायरवर्क हुआ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा पुरसकून है, लोग भी इंजॉय करने आएंगे वीकेंड पर। ये जो ऊपर बिल्डिंग आप देखें ये इसको कहते हैं गोल्डन गेट, इसकी भी बड़ी हिस्ट्री है वार के टाइम से। इतनी ज़्यादा मुझे भी नहीं पता, जो पता है बस इतने होता है। व्यू चेक करें,
कुछ भी। Thank you.